राजस्थान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हमला अलवर जिले में हुआ है और टिकैत की कार के शीशे को तोड़ दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। काफिले पर हमला के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें हैं। टिकैत के काफिले पर यह हमला उस समय हुआ जब अलवर के हरसोरा गांव से बासनूर की ओर राकेश टिकैत जा रहे थे, तभी ततारपुर गांव के आसपास उनके काफिले पर हमला हो गया। टिकैत शुक्रवार को हरसोरा में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा खत्म होने के बाद वे बूशर के लिए निकले थे। टिकैत ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसकी तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, जिस पर कार के शीशे साफ तौर पर टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। धरना भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें उनकी कार के पिछले हिस्से का शीशा टूटा हुआ है। वीडियो में कुछ रोड पर नारेबाजी भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर पंचायतों को लेकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को उनको राजस्थान में दो सभाओं को संबोधित करना था। दोपहर में एक सभा को संबोधित कर कुछ गाड़ियों के साथ दूसरी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी रास्ते पर उनके काबिले पर हमला हो गया।